क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का, किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। उरी की घटना के बाद आज प्रधानमंत्री पहली बार देश की जनता को संबोधित करेंगे। कोझिकोड में पब्लिक रैली भी है। हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थनाथ सिंह। सिद्धार्थ जी, बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री पाकिस्तान को कुछ या मुंह तोड़ जवाब दें। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, और ये उचित भी नहीं होता। प्रधानमंत्री जी का भाषण है वो किसी को पता नहीं, मगर उनकी जो भावनाएं हैं वो देश के साथ हमेशा जुड़ी रहती हैं। जिस UNGA में जाकर नवाज शरीफ ने तमाम बातें कहीं, कश्मीर का मुद्दा उठाया, उसी UNGA के 136 देशों ने सब ने एक सुर में टेरर के खिलाफ अपने बयान दिए, स्टेटमेंट्स दिए, तो आपको लगता है कि भाई फिर पाकिस्तान को अलग थलग करने में कामयाब रहे आतंक के मुद्दे? देखिए, आतंक के मुद्दे में ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है और पाकिस्तान के ऊपर दबाव भी पड़ रहा है। और भारत की जो तीन तरह की स्ट्रैटेजी है, वो एक रही है डिप्लोमेटिक, उसमें हमें सफलता अच्छी दिख रही है। दूसरी है इकोनॉमिक, जो व्यापारिक होती है, कमर्शियल, उसके अंदर भी कल से हमें सफलता दिखनी शुरू हो गई। यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आप जो बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं उस पर आप रोकेंगे नहीं तो हम आप पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे, व्यापारिक सैंक्शंस लगाएंगे। तो ये दूसरा विषय हो गया। अब तीसरा होता है मिलिटरली, और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि उसमें चर्चा नहीं होती, एक्शन होता है। तो हम लोग को सबको इंतज़ार करना चाहिए।